नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीआई पाइप फिटिंग्स के बारे में। दोस्तों जब हम किसी भी प्रकार की पाइपलाइनों को लगाते हैं तब उनमें कई सारी फिटिंग्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओनली फॉर जीआई पाइप फिटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो चैनल सब्सक्राइब। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे नंबर वन पे आता है जो कि है दोस्तों सॉकेट। सॉकेट पाइपलाइन को सीधी लाइनों में ले जाने के लिए तथा दो टुकड़ों को सीधी अवस्था में जोड़ने के लिए हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। यह प्रत्येक पाइपलाइन स्टैंडर्ड के अनुसार प्रत्येक साइजों में मिलता है। इसके अंदर पूरी चूड़ियां बनी होती हैं और यह दो पाइपलाइन के ऊपर आधा आधा चढ़ा दिया जाता है। इस ज्वाइंट को सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। अब आता है दोस्तों रिड्यूसर। यह सॉकेट के प्रकार का ही होता है। इसके अंदर दोनों साइडों में चूड़ियां बनी होती हैं, परंतु दोनों साइडों का व्यास अलग अलग होता है, जैसे आधा बाई पौन और आधा बाई एक इत्यादि। इसका व्यास कम होने के कारण ही इसका प्रयोग जीआई पाइपलाइनों में सीधी जा रही पाइपलाइनों का व्यास घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसको रिड्यूसर सॉकेट कहते हैं। अब आता है दोस्तों एल्बो। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसकी शक्ल कोहिनी जैसी होती है। इसका प्रयोग जीआई पाइपलाइनों को समकोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर 45 और 60 अंश का कोण भी बनाए जा सकते हैं। इसको दोनों किनारे पर अंदरूनी चूड़ियां कटी होती हैं। इसको दोस्तों कोने पर प्रयोग किया जाता है। इसको दोस्तों एल्बो कहते हैं। अब आता है दोस्तों रिड्यूसर एल्बो। दोस्तों मैंने अभी एल्बो के बारे में बताया, सेम रिड्यूसर एल्बो भी उसी तरह से होता है, परंतु दोस्तों रिड्यूसर एल्बो का प्रयोग ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहां समकोण पर हमें लाइनों का व्यास को घटाना या बढ़ाना होता है। दोस्तों जहां पास हमें समकोण की लाइनें कोने पे होती हैं, वहां पास हमें व्यास को घटाना या बढ़ाना होता है, वहां पास हमें रिड्यूसर एल्बो का प्रयोग किया जाता है। अब आता है दोस्तों बैंड। इसका प्रयोग पाइप लाइनों को राइट एवं लेफ्ट एंगल पर मोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात जिस तरह से एल्बो का प्रयोग किया जाता है वैसे ही बैंड का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। अतः इस पे दो सॉकेट भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बैंड दोनों किनारों पर ऊपरी चूड़ियां बनी होती हैं, अतः ज्वाइंट काफी महंगा पड़ता है, परंतु ज्यादा दबाव या ओपन पाइपलाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बैंड जीआई पाइप को मोड़कर ही बनाए जाते हैं। अब आता है दोस्तों इक्वलिटी। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसकी शक्ल इंग्लिश के टी अक्षर से मिलती जुलती है, अतः इसको इक्वलिटी कहते हैं। इसका प्रयोग समकोण पर ब्रांच लाइनों को निकालने के लिए किया जाता है। इस टी के तीन मुख होते हैं, अंदर चूड़ियां बनी होती हैं और तीनों मुख का एक ही जैसा व्यास बना होता है, अतः इसको इक्वलिटी कहते हैं। अब आता है दोस्तों रिड्यूसर टी। जैसे कि अभी मैंने इक्वल टी के बारे में बताया, दोस्तों सेम ये भी रिड्यूसर टी सेम उसी तरह से होती है। दोस्तों अब बात करता हूँ रिड्यूसर टी की। तो दोस्तों इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहाँ हमें समकोण पर कम व्यास की लाइनों को निकालना होता है, वहां पास हमें रिड्यूसर टी का प्रयोग किया जाता है। अब आता है दोस्तों क्रॉस टी। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह क्रॉस में बनी होती है, अतः इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां से हम एक ही स्थान से दो विपरीत दिशाओं पर समकोण की लाइनों को निकालते हैं। अतः यह चार मुख बने होते हैं जिनके अंदर चूड़ियां बनी होती हैं, उन सभी का व्यास एक बराबर होता है। इसको दोस्तों हम क्रॉस टी कहते हैं। अब आता है दोस्तों यूनियन। यह सॉकेट जैसा ही सीधा पाइपलाइन को जोड़ने के लिए एक जॉइंट होता है, परंतु इसका लाभ होता है कि इसको लगाने के बाद हम आवश्यकता पड़ने पर इसे खोलकर आसानी से लाइनों की मरम्मत कर सकते हैं या लाइनों पर और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यह दो मुख्य भागों में बटा होता है। इसको एक रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है और आसानी से आवश्यकता पड़ने पर इसे खोला जा और कसा जा सकता है। अब आता है दोस्तों बुश। इसके एक किनारे पर ऊपरी चूड़ियां कटी होती हैं, जो कि दोस्तों बड़े व्यास का होता है। दूसरे किनारे पर अंदरूनी चूड़ियां होती हैं, जो कम व्यास का होता है। इसकी आकृति छह पहलू जैसे बनी होती है। इसका प्रयोग बड़े व्यास से कम व्यास की लाइनों को निकालने के लिए किया जाता है, जैसे एल्बो और टी के अंदर। दोस्तों इसको बुश कहते हैं। अब आता है दोस्तों निप्पल। यह एक पाइपलाइन का छोटा टुकड़ा होता है। इसका साइज 4-6-8 होता है, जिसके दोनों किनारों पर चूड़ियां बनी होती हैं। इसका प्रयोग स्टोरेज टैंक या टूटियां लगाने के लिए किया जाता है।
अब आता है दोस्तों बी निप्पल। बी निप्पल यह 2 या 3 इंच लंबी निप्पल होती है। इसके दोनों किनारों पर चूड़ियां बनी होती हैं। पाइपलाइनों के फिटिंग्स के बाद जब 2 या 3 इंच का फैसले को पूरा करने के लिए हमें बी निप्पल का प्रयोग करना होता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों फुल थ्रेड स्ट्रेट निप्पल। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह निप्पल सीधी होती है। इसके ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक चूड़ियां बनी होती हैं, अतः इसको फुल थ्रेड निप्पल कहते हैं। इसका प्रयोग 1 से आधा गैप को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब आता है दोस्तों प्लग। यह वहां प्रयोग किया जाता है जहां से आगे लाइनों को ना ले जाना हो और ना ही वहां पर पॉइंट लगाना हो, अतः लाइनों को इसी द्वार पर बंद कर दिया जाता है। परंतु इसके साथ एल्बो या सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इसके इस प्लग के ऊपर चूड़ियां बनी होती हैं। इसको दोस्तों पॉइंट्स पर कस दिया जाता है, इसको प्लग कहते हैं। अब आता है दोस्तों कैप। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह कैप की आकृति का होता है, अतः इसको कैप यानी टोपी कहते हैं। इसका प्रयोग भी पाइपलाइन को बंद करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन, क्योंकि इस कैप के अंदर चूड़ियां बनी होती हैं, अतः इसको आसानी से पाइप के ऊपर कसा जा सकता है, इसको कैप कहते हैं। अब आता है दोस्तों चेक नट। चेक नट यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसके अंदर चूड़ियां बनी होती हैं। यह पाइपलाइन के व्यास के अनुसार अलग अलग व्यासों में मिलता है दोस्तों, इसको चेक नट कहते हैं। अब आता है दोस्तों पंचवेटी 5-वे टी। इस टी के 5 मुख होते हैं, अतः इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां से हमें एक पाइपलाइन से 4 तरफ इकट्ठी लाइनों को ले जाना होता है, वहां पास दोस्तों 5-वे टी का प्रयोग किया जाता है। अब आता है दोस्तों 3-वे एल्बो, त्रिकोणी एल्बो भी कहते हैं। इस एल्बो के 3 मुख होते हैं, अतः इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां हमें किसी पाइपलाइनों को मोड़ पर 3 लाइनों को एक साथ निकालनी होती है, तब हमें त्रिकोणीय एल्बो 3-वे एल्बो का प्रयोग करना होता है। अब आता है दोस्तों मेल एवं फीमेल टी। इसके एक किनारे पर मेल व बाकी 2 किनारों पर फीमेल चूड़ियां बनी होती हैं। इस टी के मुकाबले साधारण टी में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चूड़ियों का ही फर्क होता है दोस्तों, इसको मेल एवं फीमेल टी कहते हैं।